हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है बेसिकली कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है और रिफ्यूज़ल रीज़न है लैंग्वेज अबिलिटीज़ का, तो उसको कवर कैसे करें। ठीक है ना, बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम में हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्वेश्चन के रिलेटेड सजेशन मांगते रहते हैं अपने व्यूअर्स से, कैसे उनको वीडियो चाहिए। तो उनमें से एक सिमिलर क्वेश्चन था, कुछ इसके साथ के मिलते जुलते क्वेश्चंस भी थे, जैसे जी आजकल वो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि जैसे बहुत लोगों ने ये पूछा था कि सर 5.5 वालों के वीज़ा नहीं आ रहे हैं, या फिर क्यों आयल्स का, पीटी का, बेसिकली इंग्लिश का इतना ज़्यादा हमने एक ओवर हाइप्ड इशू बना दिया, बट है नहीं। बट एनी वेज, आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न आया है अ लैंग्वेज एबिलिटीज़ मीटिंग कर। तो उससे पहले, बिफोर गेटिंग इन टू एनी कंक्लूजन कि मेरी आयल्स नहीं ठीक थी, मेरी पीटी नहीं ठीक थी, मेरी टोफिल नहीं ठीक थी, ये कॉलेज का वीज़ा सक्सेस रेशियो नहीं अच्छा, ये प्रोविंस का नहीं अच्छा, ये सिटी एरिया में नहीं करना चाहिए, रूरल एरिया में करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, उस चीज़ को कुछ पर के लिए साइड पे करो एंड डू अ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है ना, अपनी प्रोफाइल का खुद फर्स्ट ये चेक करो, क्या आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया। आपको कोई फाउंडेशन प्रोग्राम तो नहीं था, जैसे मान लिया आपने अप्लाई किया हो, आप मीट नहीं कर रहे, आपको कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने फाउंडेशन प्रोग्राम लगा लिया कि आप इंग्लिश भी पढ़ोगे साथ में, वो तो नहीं था। फर्स्ट वो चीज़ को चेक करो। सेकेंड चेक करो कि आपकी इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आपकी लास्ट एजुकेशन जो भी थी, 12th थी या फिर अपनी ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन वाले भी प्रीवियस अपने इंग्लिश, अगर उनका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें तो इंग्लिश नहीं होती, बट उसमें कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है कुछ, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डिग्रीज में होता है, या फिर उसके रिलेटेड को जो भी सब्जेक्ट हो, अगर वो था उसमें मार्क्स कितने थे। ठीक है ना, और थर्ड चीज़ आपको जो देखनी चाहिए वो होता है लेवल ऑफ योर एजुकेशन। सम टाइम आई हैव नोटिस कि आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, आपके नंबर एवरेज हैं, ठीक है ना, बट जिस लेवल ऑफ प्रोग्राम में आप जा रहे हो उसमें आप जो इंग्लिश लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, ये तब होता है किसी मेडिकल का रिलेटेड, या फिर बहुत कोई टेक्निकल प्रोग्राम हो। टेक्निकल मतलब ये नहीं होता जी ई टेक्नीशियन या फिर इंजीनियरिंग वाले, नहीं, इंजीनियरिंग वाले नहीं, मोस्टली इन मेडिकल साइंस आई हैव नोटिस कि उस जगह पर, या फिर समथिंग इन लिटरेचर, या फिर किसी चीज़ को समझने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, बट एनी वेज कोर्स की रिक्वायरमेंट कम है, बट उस कोर्स में ज़्यादा आपको समझ होनी चाहिए। ये सेल्फ ये असेसमेंट करके पता लगेगा, या आप हमें भेज भी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो यही बात मैंने पूरा आपको रीज़न देके यही चीज़ समझा, बात फिर से आ गई कि बहुत लोग जैसे हमें कमेंट कर रहे हो, आप नीचे कमेंट करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर इस वीडियो के नीचे भी कोई ना कोई कमेंट करेगा, सर मेरा भी ये रीज़न आया था तो मैं क्या करूँ, या फिर मेरा ये रीज़न है मैं इसको कैसे कवर करूँ, या बिना असेसमेंट के कैसे पता लगेगा। अब जैसे कोर्स की मैंने बात की, बिना प्रोफाइल को देखे, बिना चीज़ को देखे कैसे पता लगेगा, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको हो जाएगा। एनी वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इफ़ यू आर मीटिंग योर आयल्स रिक्वायरमेंट और आपके नंबर भी सही हैं, ठीक है ना, बेसिकली बात है कवर कैसे करें, आपकी रिक्वायरमेंट भी मीट कर गए हो, आपके नंबर भी सही हैं, ठीक है ना, और जो लेवल ऑफ प्रोग्राम है वो बेसिक है, इट्स बेसिक डिप्लोमा या फिर बेसिक एजुकेशन, तो इट इज़ नॉट एन हाइप, ठीक है ना, और कोर्स रिलेटेड भी हो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोर्स रिलेटेड नहीं है ना, तो ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जितना मर्जी आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कोर्स भी रिलेटेड है, ठीक है, मान लेते हैं कोर्स भी रिलेटेड है, तो इसको कवर कैसे करें। बहुत सिंपल है, एक तो हम क्या करते हैं, हम मैं अपना बता देता हूँ, हम तो बेसिकली एक तो SOP होती है, SOP के साथ कवरिंग लेटर होती है, जिसमें हम जो रिफ्यूज़ल रीज़न को कवर करते हैं, उसमें अगर आपका ये रीज़न आए और आपके सारी चीज़ें टिक टिक हो गई कि हाँ मेरे कोर्स भी रिलेटेड था, रिक्वायरमेंट भी मीट हो गई, और लेवल ऑफ कोर्स भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, मेरे इंग्लिश में नंबर भी ठीक है, 60 के अराउंड है, तो फाइन, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट मैंशन, अपने सीधी सी बात अपने लिखनी है कि देखिए आप, मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में रखना, कि आपने जो पढ़ाई की है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम योर स्टार्ट टू लेकर अब तक, जो भी आपकी सारी एजुकेशन है, इट इज़ इन इंग्लिश, आई एम होपिंग दैट इज़ इन इंग्लिश। अगर नहीं है इंग्लिश में, आप हिंदी मीडियम से, पंजाबी मीडियम हो, या फिर किसी और मीडियम से पढ़े हुए, देन यू कैन फोकस ऑन योर इंग्लिश मार्क्स एंड योर आयल्स, ठीक है ना, कि मैंने जिनकी तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, वो ये मैंशन कर दें, जिनकी स्टेट बोर्ड से है वो मैंशन कर दें कि जी मैंने इंग्लिश में मेरे मार्क्स अच्छे हैं और मेरे आयल्स मैं रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ, बट जिनके वो हैं वो आप लिख सकें कि सारी एजुकेशन मेरी इंग्लिश में है और मैं कोर्स की रिक्वायरमेंट भी मीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आई डोंट थिंक दिस रीज़न इज़ जस्टिफाइबल, ये लिख दिया, दैट्स इट, कवर हो गया, इतनी सी बात है। बट यू हैव टू यू नो थिंक अबाउट द अदर रीज़न थिंग्स ऑल्सो, कोर्स रिलेटेड है, और इन चीज़ों का ध्यान में रख के फिर करें,
एंड आपका कोर्स सही हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को जिनको लग रहा है मेरे 5.5 थे इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, नॉन एस वालों के वीज़ा नहीं आ रहे, तो भाई ट्रस्ट मी जितने केसेस मेरे पास आए हैं रिफ्यूज़ल वाले उनमें प्रॉब्लम आए नहीं, कुछ और ही था। तो प्लीज़ उस चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। एंड एनीवेज अगर आप हमारा यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ याद से कर लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। एंड हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय।